नहीं, टैक्स एसोसिएशन का इधर इजलास हुआ है और मेट्रोपॉलिटन के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ इनकी बातचीत हुई है। आए पाकिस्तानी टैक्सिस्टा से बात करते हैं। आज की मीटिंग जो है हमारी बकायदा जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट के AMTA के डायरेक्टर रामिया एडवर्ड से थी और मीटिंग हर लिहाज से कामयाब रही है। इसमें हमारे तीन मतालबात थे। एक ये है कि एयरपोर्ट पर हमें थोड़ी सी जगह दे दी जाए। जब हम टर्मिनल में जोनल स्पेरा में जाते हैं तो नमाज की अदायगी के लिए जो है ना जगह हमें बेशक 3 मीटर क्वाद्रादो दे दी जाए या 4 मीटर क्वाद्रादो दे दी जाए, एक मेन मतलबा ये था। और उसके बाद जो है दूसरा मतलबा ये था कि जो पोर्टो ओलंपिको के बैक साइड है जहाँ पर नाइट क्लब है, शोको लॉन्च एंड रेस्टोरेंट क्लब, ग्रैंड कैसीनो की बैक साइड बनती है, तो इस कई में जो है हमें एक परादा दे टैक्सी चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमारे रात को जब दोस्त साथी कुली काम कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ज़रा जुर्माने होते हैं कि ऑफिशियली वहाँ पर जो है ना परादा नहीं टैक्सी का स्टाफ ने। तो तीसरा ये था कि पास दे बोर्न है, वहाँ पर काफ़ी ऐसी हैं लोकालिस जो कि रात को 3 बजे बंद होती हैं, रेस्टोरेंट हैं, म्यूजिकल बार्स हैं, तो उधर भी 3 बजे तक लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर भी कोई बाकायदा तौर पर टैक्सी का स्टाफ नहीं है। तो हमारे काफ़ी लोगों को, भाइयों को, कंपनियरों जो हैं उनको जुर्माने होते हैं। इन द टर्मिनल 1 डेल एयरपोर्टो हाय उन एस्पासियो रिजर्वाडो अल कुल्टो que en este momento comparten ciudadanos y ciudadanas de diversas religiones. El problema es que está dentro de la terminal 1 del aeropuerto y los compañeros de Pack Taxi lo que piden es habilitar un espacio cercano a la parrilla de taxis del aeropuerto. Nosotros, tanto como Coordinadora Metropolitana del Taxi, como Federación Catalana del Taxi, nos parece correcta la propuesta, la hemos apoyado hoy en la reunión que hemos tenido con el gerente del Instituto Metropolitano del Taxi, señor Ramia. सबसे पहले ये है कि यहाँ पे हमारे जो तकरीबन आई थिंक 1200 टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो इस वक्त जो है ना वो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसके अलावा 200 जो है वो मालकान हैं। तो उनमें से 1200 में से मैं समझता हूँ कि तकरीबन अगर आप कह सकते हैं 60-70% ऐसे हैं जो वो यानी कतलन लैंग्वेज समझ सकते हैं। अभी वो बोल नहीं सकते, लेकिन हमारी जो एसोसिएशन जो बनाई है उन्होंने, पाक टैक्सी एसोसिएशन, मेरा सवाल है कि कितने टैक्सीस्ता है पाकिस्तानी जो कतलान बोल लेते हैं, समझ नहीं लेते बोल लेते हैं? तकरीबन 20-25% आप कह सकते हैं जो बोल लेते हैं कतलान, 20-25%। इसमें पाकिस्तानियों की सिर्फ एक एसोसिएशन है, बाकी यहाँ के कतलान लोगों की एसोसिएशन है। पाकिस्तानियों की जो टैक्सी की यूनियन है उनकी आज मीटिंग मेट्रोपॉलिटन के सरिंद एडवार रामिया से बातचीत हुई।